मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपको याद होगा कि अन्ना हजारे का आंदोलन में मीडिया तंबू लगा के बैठी थी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि हाथ में गोल्डन माइक हो और बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गोदी मीडिया के हाथ में, लेकिन आम जनता अगर आप खड़े होइएगा और इन किसानों की आवाज को आगे बढ़ाइएगा तो एक 200 रुपए का माइक हो लेकिन उससे देश की बात निकले, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय हाथ में गोदी मीडिया की जैसा माइक हो और जिससे सिर्फ दलाली की बात निकले। ये याद रखिएगा कि भारत की जनता, आज आपके पास सुविधा है, आप भी लड़िए, खड़े होइए इन किसानों के लिए, अपनी आवाज में आवाज मिलाइए इनकी और इनके साथ खड़ा होना सीखिए ताकि इतिहास में आपको भी याद किया जा सके। जब बहुत बड़ी लड़ाई किसान लड़ रहे थे तो आप भी उनके साथ थे, ये बहुत जरूरी है। उधर से कई गाड़ियां लाके मिलिट्री की फौज की ला रहे हैं, हम लोगों का जो नारा है ना एक जय जवान जय किसान, ये सोच रहे हैं किसान और जवान को लड़ा दिया जाए आपस में, लेकिन इस तरह की कभी नहीं होगा। जवान भी हमारे साथी हैं, वो भी कल हर बात हर आदमी समझ रहा है इस तरह की। अब ये देखो ये कुछ भी कहें लेकिन किसान ना तो पीछे जाने वाला है, जब तक ये कैंसिल नहीं होंगे तीनों रोल तब तक वापस भी नहीं जाने वाले हैं। हमने कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 71, 71 साल। 71 साल के नौजवान, ये बुजुर्ग नहीं है, नौजवान है। और जो पंजाब हरियाणा यूपी या कहीं का भी जो अगर 20 साल का किसान होगा तो उसका क्या जोश होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं या सरकार सोच सकती है। और यही जज्बा है कि आज NS24 पे खड़े होके और हम इनसे बात कर रहे हैं। और 71 साल 80 साल, मैंने 97 साल के बुजुर्ग किसान को भी दिखाया था, मैं बुजुर्ग कहना नहीं चाहूंगा, नौजवान किसान है वो, जिसमें इन्होंने जब 2014 में ये इलेक्शन लड़ रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू करूंगा, डेढ़ गना फसल का दाम करूंगा, सारी बात इन्होंने करी थी बात की। और किसान को खूब मलाई इन्होंने कान से खिलाया था, कान से मलाई खिला, सब समझते हो ना, तो कान से खूब मलाई खिलाया और किसान को ही नहीं खिलाया, पूरे देश को खिलाया, चाहे भ्रष्टाचार के नाम पर हो, चाहे किसी किसानों के नाम पर हो, चाहे रोजगार के नाम पर हो, मलाई तो इन्होंने कानों से खूब खिलाया लोगों को। लेकिन हकीकत में जब ये आए, जब मीडिया में जाते हैं तो आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, एक पूछती आप थकते क्यों नहीं, अरे थकते क्यों नहीं, तू पूछ ले उनसे जाके थकते क्यों नहीं। हाथ में अगर 1 लाख का माइक हो और उससे सच ना बोला जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। हाथ में 100 रुपया का माइक उठाओ और सच बोलो, देश की बात करो, वही देश की पहचान है, सच्ची आवाज निकालो। उसके लिए 1 लाख रुपए माइक की नहीं और 2 लाख की कैमरे की नहीं, जज्बे की जरूरत है, देशभक्ति की जरूरत है और जुनून की जरूरत है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर पहुंचा हूं दिल्ली यूपी बॉर्डर पे, जहां पे किसान बैठे हुए हैं और बैठे क्या हुए हैं, जहां पे जिनको रोक के रखा गया है। सरकार इतनी डर गई है कि किसानों को जो जहां है और आना भी चाहते हैं, चाहे यूपी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, हर जगह पे उनको सिर्फ रोक के रखा गया है। और जो और भी किसान आ रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, करीब करीब 30,000 किसान पंजाब से निकले हुए हैं और जो हो सकता है कल पहुँचे या पहुँचने की कोशिश करें, जिनको रास्ते में अगर नहीं रोका गया तो। लेकिन कितनों को रोकेंगे, हो सकता है कि उसमें से आधे तो जरूर 15,000 के जरूर और पहुँच जाएंगे किसान। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि आपने देखा होगा कि कल मोदी जी ने नया पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया, उसके ज़मीन पे भूमि पूजन किया। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि कलम चाहे 1 रुपये का हो, चाहे कलम 1 लाख रुपये का हो, लेकिन उससे आप लिखते क्या है ये मायने रखता है। उसी तरह से पार्लियामेंट नया हो या पुराना हो, उस पार्लियामेंट में जहाँ पे जनता की बात होनी चाहिए वो बात हो रही है या नहीं हो रही है, ये मायने रखता है। भारत में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा। लेकिन उस डेमोक्रेसी में आज जनता रोड पे बैठी है और प्रधान सेवक कहाँ है कुछ पता नहीं। लेकिन इस बीच कल जो कृषि मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज प्रधानमंत्री जी ने उसी का छोटा सा वीडियो का टुकड़ा उठा के ट्वीट कर दिया, यानी कि जो सामने से बोला जा रहा था कृषि मंत्री के द्वारा, उसके पीछे ये मान ले कि प्रधानमंत्री और जो हमारे गृह मंत्री हैं वही थे, क्योंकि जो कहा जाता है कि देश तो दो ही लोग चला रहे हैं। पाजी मेरा सवाल ये है कि जब हमारे अन्नदाता रोड पे हैं, देश के जो निर्माता हैं वो रोड पे हैं, उस वक्त में जब देश में एक नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, मैंने जैसा कहा कलम नया हो या पुराना हो, 1 रुपये का हो या 1 लाख का हो, उससे आप लिखते क्या है ये मायने रखता है। तो इस वक्त जब किसान रोड पे है और प्रधानमंत्री जी चुप्पी मार के बैठे हुए हैं, लेकिन वहीं पे पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसानों का कोई ख्याल नहीं है। देखिए, ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, आप हर प्रदेश में देख रहे हैं कि आज पहला मौका है कि कितने धरने आंदोलन हुए हैं,
कितने प्रधानमंत्रियों ने कुछ निर्णय लिए हैं, अध्यादेश जारी किए हैं, विरोध हुआ है, मगर ऐसा विरोध कभी नहीं देखा होगा कि इस ऐसा विरोध जिसमें अन्य देशों के लोग भी तरह तरह जगह जगह विरोध कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि अन्नदाता, इनको कम से कम इस बात की हमारे प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए थी कि अभी कोविड अभी होके निकला, अभी चल ही रहा है, यही अन्नदाता है जिसने पूरे हिंदुस्तान में कहां से, जब इन्होंने बॉम्बे और किधर किधर से मजदूर चल के आता रहा है और यही किसान जगह जगह अपना उनको भोजन कराता रहा, ठहराता रहा है, इसी अन्नदाता की देन है। और आज पूरा अन्नदाता को ये दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी ने ये बहुत गलत पंगा ले लिया है, ये पंगा ऐसा है कि उनको दुखदाई होगा। और आज अभी आप कलम की बात कर रहे थे, कलम वो आम कलम नहीं है, वो आम कलम नहीं है, वो कलम उसका दिया हुआ कलम है जिसके दिए हुए जहाज से चुनाव लड़े हैं, आप समझ रहे हैं, ये उनका दिया हुआ कलम है, ये उनके लिए पूरे देश को बेचना चाहते हैं, पूरा पूरा किसान को ख़त्म करना चाहते हैं, ये गलत पंगा लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। आज जिस तरीके से यहाँ लोगों किसानों को धरने पे आने से रोका जा रहा है, अभी देखिए ये पन्नू साहब खड़े हैं, गुरविंदर सिंह पन्नू हैं, आप वहाँ के पहले जिलाध्यक्ष भी रामपुर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर पे रहे हैं किसान यूनियन के, आज प्रदेश के प्रदेश सचिव हैं। जिस तरीके से आज जनपद रामपुर में कल सुबह से 12 बजे से धरना चल रहा है, वहाँ किसानों को रोका हुआ है, सारी रात वहाँ किसान जो है धरने पे रहा है और अब भी धरना चल रहा है। आज हम लोग वहाँ से आए हैं, कुछ गाड़ियों से कुछ लोग आए हैं, बाकी अब धरने पे बैठे हुए, मतलब क्या तरीके से दबाना चाह रहे हैं, ये उनका गलत डिसीजन है और गलत निर्णय है, ये किसान को नहीं दबा पाएंगे। और आपने देखा होगा अगुवाई करता है कोई ना कोई, अगुवाई की है आज पंजाब प्रदेश ने, और बीच में वहाँ से हरियाणा मिला है, राजस्थान मिला है, जितने प्रदेश हैं आसपास के इकट्ठे होके आज उनको लग गया है। जैसा कि आज मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारा वीडियो देखा जिसमें बहुत सारे हमारे सिख कौम के लोग थे, जिसमें बुज़ुर्ग 80-80 साल के बुज़ुर्ग की आंखों से आंसू निकल रही थी। वो आंसू सिर्फ इसलिए थी कि आखिर देश में हो क्या रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर थे या उसकी वजह से आंसू निकल रहे हैं, सिर्फ वो उदास थे, उनकी आंखों से इसलिए आंसू निकल रहे थे कि हमारे देश में हो क्या रहा है, और 80-80 साल के वो बुज़ुर्ग थे। ऐसा है कि जो ये अध्यादेश आया है, आज किसान को अपने ठंड का मौसम है, आपने कहा 80-80 साल के किसान थे, उनके आंसुओं में निकल रहे थे, आज उनको घर में रिहाई बिस्तरों में होना चाहिए, वो जहाँ पे सड़कों पे लवारस घूम रहे हैं, कहीं रहने की जगह नहीं है, ट्रैक्टर ट्रालियों अपने में रह रहे हैं। और सरकार ने पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर जो फील्ड दवाई फील्ड करते थे वो भी करनी बंद कर दी है, मच्छर इतना अधिक है कि रात को सोने देता, दिन भर घूमते हैं, तो उनकी ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोग इस सरकार ने हमें किस हालात में ला के खड़ा कर दिया, तो इसीलिए वो अपने आने 80 साल की उम्र की एक्सपीरियंस के साथ में ये कह रहे हैं कि इससे गंदी इससे बुरी सरकार ना हिंदुस्तान में आएगी, ना आई है ना आगे आएगी। जैसा आप सुन सकते हैं कि ये कह रहे हैं, और मैं पढ़ भी रहा था, बहुत जगह ये खबर आई है कि जो हम लोग तो शाम दिन भर रहते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग किसान, और जो कोई भी किसान बुज़ुर्ग हो या जवान हो वो मतलब नहीं है, मच्छर तो सबको काट रहा है यहाँ पे शाम के बाद। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो सरकार के तरफ से मच्छर की दवाई छिटी जाती थी, जो धुएं वगैरह छोड़े जाते थे, वो भी बंद कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से कोशिश ये है कि किसी तरह से किसान यहाँ से हट जाएँ, तकलीफ से हट जाएँ। लेकिन मैं फिर जानता हूँ इस बात को, बहुत लोगों से बातें हुई है कि ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, और इनका कहना है कि आंदोलन तकलीफ सह के ही होता है, खीर पूरी खा के आंदोलन नहीं होता है, आंदोलन करने का मतलब तकलीफ ही होता है। भाजी, आप बुज़ुर्ग किसान यहाँ पे ठंड में रात में आज डटे हुए हैं, और अपनी लड़ाई के लिए एकदम से जिस तरह से मनोबल बना के यहाँ बैठे हुए हैं, ये काबिले तारीफ़ है। लेकिन जिस तरह से ये सरकार तानाशाही कर रही है, और जिस डेमोक्रेसी की, जिस प्रजातंत्र की हम बात करते हैं, उस प्रजातंत्र में जहाँ पे जनता इतने बड़े तादाद में रोड पे आ जाए तो सरकार को जागना पड़ता है, लेकिन सरकार जागने का नाम नहीं ले रही है। मोदी सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार की तरह बिहेव कर रही है। देखो, सरकार गूंगी होगी ना तो किसान ऐसा है ना, इसको बोलना सिखा देगा, ये बात नहीं कि इसको गूंगी रहेगी,
बोलेगी कब तक गूंगी रहेगी। लेकिन यह है किसान अब जाग गया है, किसान दूर से आता है। हम लोग देखें, हम लोग जिला रामपुर यूपी से आए हैं और जो हमें वहाँ इतना प्रहार किया, तीन तीन दिन तक हमारा धरना वहाँ रहा, हमें आने नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने फिर भी हम किसी न किसी तरह हमने कहा हमें तो जाना ही है। ये कहता है फिर कल हमें से कई दिन पहले बोले कि रात को चले जाओ। मैं कहा हमको चोर हैं, हम धरना लगा के बैठे हैं, दिन में जाएंगे। फिर जब कोई प्रयास नहीं चला, फिर उन्होंने कहा चलो जी चलो, ये कह के दो दो गाड़ी हमारी वहाँ कम से कम 20 ट्राली और खड़ी हैं, फोन आ रहे हैं और सब और आएंगे, और कल को अगर रहेंगे तो कल को 100 ट्राली वहाँ हो जाएंगी इधर यूपी की साइड से, इतनी आने के। लेकिन वहाँ यह है, ये बताइए कि अगर किसान को वहाँ रोका जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल परेशान रोकेगा, तो क्या किसान रोक थोड़ी जाएगा? किसान तो जंगल में होकर भी आ जाएगा। किसान के लिए कोई नदी नहीं है, कोई जंगल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ये हम लोग अगर वहाँ, हमारे यहाँ से लोग ऐसे हैं कि अगर ट्राली या गाड़ी ना देंगे तो हम लोग पैदल भी जाएंगे, 400 किलोमीटर भी पैदल चल के आएंगे, लेकिन पैदल जाएंगे। ये देखिए आज हम सब पूरा किसान जाग गया है। ये देखिए अब ये क्या कहते हैं, कभी कोरोना है साहब, कोरोना जब कोरोना तब नहीं था, जब इन्होंने ये जब ये अध्यादेश लाए तब बिल पास किया तब भी तो कोरोना था। इनको तो सोचना चाहिए था कि ऐसे हर ऐसी हालत में बिल नहीं लाए जाएं, और जिस हालत में इन्होंने बिल लाए, बिल इस तरह ऑर्डिनेंस हमेशा हमेशा आते हैं आपातकालीन में। ये अब कोई आपातकालीन तो थी नहीं। ये तो किसानों को बेवकूफ समझते ना, वो तो समझते इनको पता ही नहीं आपातकालीन को बेवकूफ समझते हैं। लेकिन एक बात, वो पहले वाला किसान था, अब हालांकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारे बच्चे आगे MBBS और ACS IPS और AS सब बन गए हैं, उनको सब पता है। वकील इतने हमारे किसानों में कितने वकील हैं, और ये जितने प्रशासन हैं इसमें 50% से ज़्यादा किसान हैं, 90% किसान हैं। ये जितने पुलिस वाले अधिकारी हैं, ये सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल में भी किसान का दर्द है। ये 90% इसमें से किसान हैं, और ये सब इस तरह की कोई बात नहीं, लेकिन वो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा उनसे कोई इतना कोई हमारा उनसे कोई लगाव नहीं है इतना कि हम क्यों हम रोक रहे हैं। आज क्यों बदल रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि ये डिब्बा हमारा रहने दीजिए, सारा सामान हम बदल देते हैं, हम सामान दे देते हैं। कभी ऐसा भी सुना था आपने कि इस पर भी ये अध्यादेश जारी करेंगे कि SDM सुनेगा, SDM के बाद DM सुनेगा, उसके बाद न्याय में नहीं जाओगे? ये तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपको याद होगा कि अन्ना हजारे का आंदोलन में मीडिया तंबू लगा के बैठी थी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि हाथ में गोल्डन माइक हो और बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गोदी मीडिया के हाथ में, लेकिन आम जनता अगर आप खड़े होइएगा और इन किसानों की आवाज को आगे बढ़ाइएगा, तो एक 200 रुपए का माइक हो लेकिन उससे देश की बात निकले, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय हाथ में गोदी मीडिया की जैसा माइक हो और जिससे सिर्फ दलाली की बात निकले। ये याद रखिएगा कि भारत की जनता, आज आपके पास सुविधा है, आप भी लड़िए, खड़े होइए इन किसानों के लिए, अपनी आवाज में आवाज मिलाइए इनकी, और इनके साथ खड़ा होना सीखिए, ताकि इतिहास में आपको भी याद किया जा सके। जब बहुत बड़ी लड़ाई किसान लड़ रहे थे तो आप भी उनके साथ थे, ये बहुत ज़रूरी है। कि जिस तरह से कल कृषि मंत्री जी आए, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ऐसा लगा कि तोता की तरह पढ़ के चले गए, उसी का वीडियो ट्वीट करके मोदी जी ने आज डाल दिया। यानी कि सरकार अपना मैसेज दे रही है, मोदी जी का मैसेज ये मानूंगा कि कृषि मंत्री जो कह के गए वो हमारी बात समझो, जो ये तो ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने इस तरह से अब सिचुएशन पैदा कर दी है कि बॉल किसान के कोर्ट में डाल दिया है। किसान के कोर्ट में बॉल डालने का मतलब ये है कि बोलते हैं कि ठीक है, अब किसान अपना तय कर ले, फिर हम तो हमें जब बोलेंगे हम बात करने के लिए तैयार हैं। अरे 5-5, 6-6 राउंड की तुमने बात कर ली 8-8, 10 घंटे, और फिर क्या, तो हमें समझ में नहीं आई किसानों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो हम निकाल के पॉइंट दे रहे हैं उनको। वो सब इनकी, ये इनका मतलब ये है कि लंबा आंदोलन होगा तो हो सकता है किसान थक के चले जाएं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं, जितना लेट होगा उतना ये आंदोलन तेज होगा, हर बार होगी। हमारे पाले में क्या डालेंगे, हमने तो एक ही बार में बाल फेंक दिया कि ये कानून पास होंगे, वो कानून पास हो, हमने तो बात आ दिया, जब मर्जी वो पास करें, आज पास करें, आज फेल कर दें, वो बिल्कुल इसको कैंसिल कर दें या कल को कैंसिल करें, जब भी ये कैंसिल करेंगे, हमने तो एक ही बात सुना दिया उनको, अब उनकी मर्जी है, हमारी किसान की मर्जी नहीं है, उनकी मर्जी है। किसान ने तो सीधा कह दिया यस और नो, यानी कि वापिस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अब सरकार कई मामलों में बातों को घुमा रही है, किसान को थका रही है, और कई मामले में ऐसा भी देखने को मिला है कि किसान के आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इनको अलग अलग किया जाए, इसकी भी चाले अलग अलग तरीके से चल रही है सरकार। कुछ भी चले,
चालान। अब ये देखो पता क्या है, उधर से कई गाड़ियां ला के मिलिट्री की फौज की ला रहे हैं। हम लोगों का जो नारा है ना, एक जय जवान जय किसान, ये सोच रहे हैं किसान और जवान को लड़ा दिया जाए आपस में, लेकिन इस तरह की कभी नहीं होगा। जवान भी हमारे साथी हैं, वो भी कल हर बात हर आदमी समझ रहा है इस तरह की। अब ये देखो ये कुछ भी कहें लेकिन किसान ना तो पीछे जाने वाला है, जब तक ये कैंसिल नहीं होंगे तीनों रोड तब तक वापस भी नहीं जाने वाले हैं। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं, हम लोग यूपी से आए हैं, 1950 से हमारे बुजुर्ग वहाँ बैठे थे, जब जंगल थे, शेर थे, सांप थे, और ये मच्छर क्या, ये क्या मच्छर है, कुछ भी नहीं है। हमारे तो मच्छर इससे चार चार गुना ये सब मच्छर होता था, इतना जितना कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। इतने मच्छर से हम क्या घबराएंगे, हमने तो बहुत बहुत देखा है, हमें कोई इस तरह की परेशानी नहीं। हम तो आप सोच रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्गों ने कहा था ना, वो बहुत जो सहा था, ये जमाना अब जो हम सह रहे हैं ये तो उससे 10% भी नहीं है अभी जितना हमने कहा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 71, 71 साल। 71 साल के नौजवान, ये बुजुर्ग नहीं है, नौजवान है। और जो पंजाब हरियाणा यूपी या कहीं का भी जो अगर 20 साल का किसान होगा तो उसका क्या जोश होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं या सरकार सोच सकती है। और यही जज्बा है कि आज NS24 पे खड़े होके और हम इनसे बात कर रहे हैं। और 71 साल 80 साल, मैंने 97 साल के बुजुर्ग किसान को भी दिखाया था, मैं बुजुर्ग कहना नहीं चाहूँगा, नौजवान किसान है वो। पर एक सवाल है कि जिस तरह से बीते 6 साल में देश की अर्जित संपदाएं थी, जो 70-73 साल की संपदाएं थी, जो जनता के पैसे के थे, हमारे आपके टैक्स से पैसे से बने थे, उस संपदा को भी ऑलमोस्ट निजी कंपनियों के हाथों बेचा जा रहा है, यही कह सकते हैं। आप रेलवे देख लीजिए, आज BSNL का क्या हाल है, यानी कि हर सेक्टर, तेल कंपनियां देख लीजिए। एक किसान का सेक्टर था जो किसी तरह से गुजारा कर रहा था, उसके 1800 की धान की कीमत 900 मिलती थी, तब भी किसान बेचारा चुपचाप काम करता जा रहा था। जब सर से पानी गुजरा, और इस देश में औसतन हर साल 15,000 किसान आत्महत्या करते हैं। एक सुशांत सिंह राजपूत के तो आत्महत्या पे तो मीडिया, गोदी मीडिया लगी कि पूरा 3 महीना चलाती रही, जहां पे औसतन 15,000 किसान लोग आत्महत्या करते हैं। और उसका वजह सबसे बड़ा है, जब आप लोगों से बात किया तभी मैंने बहुत डीप से समझा इसको, कि अगर 100 का माल कोई 50 में आपसे खरीदेगा तो कहां लागत भी नहीं मिलेगी, लोग क्या करेंगे, किसान कैसे कर्ज अपना उतार पाएगा। तो इस निजीकरण के मामले में ये आखिरी मोदी सरकार का प्रयास था कि अब कृषि को भी डाल दो इसी में, या देखिए ऐसा है, ये हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं और इतना कमज़ोर कर दिया है कि हमने कभी सोचा नहीं था। मेरी लगभग 60 साल उम्र होगी, 60 साल, मैंने ऐसा प्रधानमंत्री देखा नहीं जिसने देश को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेल दिया। GDP -23 तक चली गई, तो ये क्या है, मतलब ये सब देखिए, इसको हम कोई इसमें अच्छे दिन नहीं कहेंगे तो इससे बुरे दिन हो सकते नहीं देश के, जो आज हालात हो गई है। BSNL हमारा इतना बढ़िया चल रहा था, इसको जियो ला करके उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह ये सारी प्राइवेट कंपनियों को दे करके, देश बेच करके, ये देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और यही चीज़ें था, अब ये हमारी खेती के ऊपर, जो हमारी खेती बची थी उसके ऊपर उन्होंने डंडा कर दिया है। तो ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और अभी तो ये शुरुआत है, देखिए जब तक ये, अभी तो हमारे किसान ऐसे अपने बिलों के खिलाफ आया है, लेकिन ये जन आंदोलन है, इनकी नीतियों जितनी नीतियाँ इसके खिलाफ जन लोग खड़े होंगे और ये सरकार गिरेगी, 100% गिरेगी। निजीकरण के लिए आप ये देखिए कि निजीकरण इन्होंने करा, आप ये समझे, हम लोग पहले जो थे आज से 20 साल पहले BSNL का नाम सुनते थे और कभी नहीं सुना, सरकारी संस्था थी, हम लोगों से वहीं से टेलीफोन चलते, सब कुछ चलते थे। लेकिन जब ये जियो आए, रिलायंस के जियो आए, तो हम लोगों को सिम फ्री, ये फ्री, 2 महीने फ्री, टॉक करो ये फ्री, सब कुछ फ्री करा उसको करके, ये सब चाल किसकी है, सरकार की चाल। आज आप देखिए BSNL कहाँ है, उसका नाम ही नहीं है, वो सरकारी संस्था जो हम लोगों को देती थी। आज BSNL ने जितना हमें पहले छूट दे रखी थी उससे 4 गुना 6 गुना पैसे ले गए, जितने हमें एक साल में छूट दी थी वो 2 महीने में उतना पैसा हमसे वसूल कर रहा है आज, क्योंकि हम लोग ये गए, क्योंकि BSNL बैठ गई, बिठा दिया गया, इसको बिठा दिया गया सरकार द्वारा, बिठा दिया गया, 4G का लाइसेंस ही नहीं दिया गया उसको, 4G का उसको लाइसेंस नहीं दिया गया। और देखिए जो प्राइवेट और कंपनी रिलायंस को इतना ऊपर चढ़ा रहे हैं, जो और कंपनी आइडिया था, वोडा था, वो बेचारे एक एक अलग अलग नहीं चला पाए, आज दोनों एक हो रहे हैं मजबूरी के लिए भी, कुछ ना कुछ हमारा काम चले। अब ये देखिए किसानों का भी ये हाल है, किसान की जो रिपोर्ट है पंजाब की, पैदावार उतनी हुई है जितनी की पिछले साल थी,
उससे ज़्यादा पैदावार नहीं हुई है। लेकिन ये देखिए पिछले साल वहाँ से जो धान खरीदा गया पूरे इंडिया के धान से वो 31% था, उसका 31% था, आज उसका हिस्सा बता रहे हैं 60%, आप उसका 60% बता रहे हैं। ये बताओ जब पैदावार उतनी हुई तो वो कहाँ से आ गया? वो सिर्फ दिखा रहे हैं। आप ये देखे नहीं यूपी बिहार में जहाँ ये कि मंडी सिस्टम इस तरह का पंजाब को हरियाणा की तरह नहीं है, जहाँ नहीं है वहाँ के किसानों ने 1000 रुपये और 1100 रुपये को धान बेचा, या वो व्यापारियों ने ला ला के यहाँ MSC पे बेचा, वो 30% धान बाहर से आके बेका है। क्यों आया बाहर से? बाहर का धान क्यों आया यहाँ? क्योंकि यहाँ मंडी का सिस्टम अच्छा था। इस साल इन्होंने जानबूझ के यहाँ से सिस्टम अच्छा करा कि हम कह के मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ये हमें धोखे में डालने के लिए, इस पहले इतनी छूट नहीं थी कि बाहर से धान लोग ले आए, लेकिन इस बार छूट स्पेशल दी गई कि बाहर से धान आएगा, नाम पंजाब का होगा। एक बार बताओ पाजी, आप लोग इतने सालों से देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं देश में, ऐसा महसूस नहीं होता कि किसी को फुल मेजोरिटी मिल जाए और इस तरह से तानाशाही करने लगे तो लगता है कि जैसे कि अगर किसी को आप शक्ति देंगे और जवाबदेही उसका कुछ नहीं होगा तो शक्ति का दुरुपयोग ही होता है, इतिहास गवाह है। जिस तरह से लोगों ने इनको सीटें दी, अब नहीं लगता कि जिस सीट को पा करके इनको जनता की सेवा करना चाहिए था उसके बजाय ये तानाशाही की तरह चल रहे हैं, अब कि हमें कौन हटा सकता है? पूरी जनता को देखिए, उसका ये है कि हम लोग इनके कहने पे क्यों आए। जरा थोड़ा मैं पुराना जाऊंगा, 2006 में डॉक्टर स्वामीनाथन के एक आयोग बनाया गया कि ये अब किसान की हत्या क्यों हो रही है, क्यों हत्या कर रहे हैं। मैं शॉर्ट करता हूँ, मुझे पता है कि जिसमें इन्होंने जब 2014 में ये इलेक्शन लड़ रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू करूंगा, डेढ़ गना फसल का दाम करूंगा, सारी बात इन्होंने करी थी और किसान को खूब मलाई इन्होंने कान से खिलाया था, कान से मलाई खिला, सब समझते हो ना, तो कान से खूब मलाई खिलाया और किसान को ही नहीं खिलाया, पूरे देश को खिलाया, चाहे भ्रष्टाचार के नाम पर हो, चाहे किसी किसानों के नाम पर हो, चाहे रोजगार के नाम पर हो, मलाई तो इन्होंने कानों से खूब खिलाया लोगों को, लेकिन हकीकत में जब ये आए तो सारे हवा इनकी बेलून की तरह निकल गई और जनता आज युवा हो या किसान हो या सरकारी नौकरी करने वाले अपने आप को समझते थे कि हम सेफ है, हमारी नौकरी सेफ है, वो भी सेफ नहीं है। नौकरी 2 करोड़ हर साल का देना था, भारत में बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़वा दिया इन्होंने। अब ये है कि जिस लोकतंत्र में ये बाहर निकल के जवाब नहीं देते मीडिया के सामने आके, मीडिया तो हालांकि नहीं किया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया जब मीडिया में जाते हैं तो आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, एक पूछती आप थकते क्यों नहीं, अरे थकते क्यों नहीं, तू पूछ ले उनसे जाके थकते क्यों नहीं, पूछ लो, ये सवाल पूछते हैं जाके उनसे। अब मैं बताऊँ आपको, ये ना ये ठीक है, आपकी बात ये सही सही है कि ये जो आदमी पावर में ज्यादा आ जाता है ना, वो जो पावर में ज्यादा आ जाता है उसका दिमाग घमंड हो जाता है, वो हिटलर हो जाता है, वो हिटलर हो जाता है। लेकिन लेकिन एक बात सुनो, हिटलर भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहेंगे, ये भी, ये आने जाने, ये कुछ ही क्या, ये तो अगर लोकतंत्र हमारा है, आज लोकतंत्र को दबा रहे हैं, जितना अगर चिंगारी नीचे से अगर सुलग जाएगी एक बार, ऊपर से कितना भी दबाओ कभी नहीं दिखी, वो तूफान बन के निकलेगी। बताइए इतिहास तो सब लिखी जाएगी ना, यहाँ तो पल पल की इतिहास है, सब रिकॉर्ड होता जा रहा है। आप अगर हिटलर हो तो आप मुझे आज दबा सकते हो, बस शक्ति किसी की नहीं रही है, किसी की शक्ति नहीं, इनकी भी नहीं रहेगी आने वाले समय। देखियो ये कुर्सी किसी की नहीं रही और ना रहेगी, कुर्सी वही रहेगी, आदमी बदलता रहेगा, बस आदमी ये इनको इनको किस तरह जिस तरह पब्लिक ने ऊपर बिठाया ना, बहुत ऊपर, ये उसी स्पीड से गिरेंगे, उसी स्पीड से गिनेंगे। लेकिन टाइम आने दीजिए, टाइम हर ये है, हर वक्त एक जैसा टाइम नहीं रहता। कहते हैं समय का काल किसी को छोड़ता नहीं, किसी को नहीं छोड़ता। अगर मैं आज हूँ तो कल मेरी उम्र एक दिन जरूर कम होगी, एक दिन बढ़ेगी नहीं, बात बात तो समय एक काल है। दोस्तों ये हमारे साथ किसान थे और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिर आखिर में हाथ में अगर 1 लाख का माइक और उससे सच ना बोला जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। हाथ में 100 रुपया का माइक उठाओ और सच बोलो, देश की बात करो, वही देश की पहचान है, सच्ची आवाज निकालो, उसके लिए 1 लाख रुपया माइक की नहीं और 2 लाख की कैमरे की नहीं, जज्बे की जरूरत है, देशभक्ति की जरूरत है और जुनून की जरूरत है। शुक्रिया, नमस्कार।